भारत के संविधान को बचाए रखने के लिए भारत का हर एक नागरिक अपनी जान जोखिम में लगा के चाहे जो कुर्बानी देने पड़े उसके लिए भारत का हर एक नागरिक तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आपको ये वादा करके बताता हूँ। वो सिर्फ जुमलाबाजी करना जानते हैं, जुमलेबाजी के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्मों का जितना उधार है। ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों, तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने कहा है कि अगर 400 सीटें उनको आती है तो संविधान को खत्म करेंगे। उनको 400 सीटें चाहिए ताकि संविधान को खत्म कर सके। हालांकि भाजपा की तरफ से ये इस बातों से किनारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये अनंत हेगड़े की निजी राय है। तो लोगों से जानेंगे कि क्या भाजपा संविधान विरोधी है। भाजपा संविधान विरोधी है, पूरा है। क्या बताएं, अगर चंडीगढ़ का चुनाव आप देखिए तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हुआ था वहाँ का हाल। अगर वैसे होगा तो ना ही देश में चुनाव हो पाएगा। जो लोग बोलते हैं कि ईवीएम हटाना चाहिए, अरे यहाँ बॉलेट पेपर भी नहीं चल पाएगा। यहाँ बॉलेट पेपर चंडीगढ़ में बॉलेट पेपर भी चला गया तो ईवीएम का क्या हाल होगा, जो आप समझ ही सकते हैं। अगर हमारे से और बेहतर जानना है तो चाचा जी से पूछिए क्या हाल होगा देश में। अगर ऐसा होगा हाल तो क्या हो जाएगा सोच सकते हैं आप। युवाओं का क्या हाल है, ना ही वैकेंसी आ रही है केंद्र में, ना वैकेंसी। उससे ज़्यादा अच्छा तो हमारा स्टेट है जो तेजस्वी जी ने कई लाख वैकेंसी दिया। संविधान क्यों खत्म करना चाहती है भाजपा? अभी तो उनका मनसा चाहिए, इसके लिए पब्लिक को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर पब्लिक जो चाहेगी वो कर सकती है ना। पब्लिक ही चाहती है तो सरकार बदल सकती है, सरकार गिरा सकती है और सरकार ला भी सकती है। पब्लिक ही चाहती है, जो चाहती है पब्लिक ही चाहती है। भाजपा संविधान विरोधी है? अगर संविधान के अगर वो छेड़छाड़ करते हैं, उनके वो सांसद कहे हैं कि अगर 400 सीट आएगा ना तो संविधान बदल देंगे, है ना। संविधान अगर बदलेंगे तो इसका बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि जिस समय संविधान बना था उस समय भी 5 लाख फॉरवर्ड पढ़े लिखे आदमी थे। ये नहीं कि जब संविधान बन रहा था तो वहाँ पे बाबा भीम साहब अम्बेडकर बीच लाइन में दूर में खड़ा थे, बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि वो घड़ी ज़्यादा छुआछूत का भी बीमारी था तो इसलिए पीछे थे। तो मंच पर 3 बार आवाज़ बोला गया कि संविधान कौन लिखेगा जो भारत उसके संविधान अनुसार चलेगा। 3 बार आवाज़ देने के बाद, 2 बार आवाज़ देने के बाद तब तीसरा में जब आवाज़ दिया गया तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाथ उठाए और उसके बाद मंच पर उनको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया उनको। तब वो जो है मंच पर जाके उन्होंने चैलेंज किया, माइक के माध्यम से उन्होंने चैलेंज किया, मीडिया में भी वो चैलेंज किए कि अगर हमसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो आए और संविधान लिखे। सारे 5 लाख स्टूडेंट को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चैलेंज किया था। उसी संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है। खत्म कैसे हो जाएगा, उसको कहने से खत्म हो जाएगा? सांसद तो कह रहे हैं। सांसद कहने से क्या होगा, आंदोलन नहीं होगा? आंदोलन करेंगे। तो अभी चुप लोग है, जनता देख रहा है। जब हाँ अभी देख रहा है, भाजपा संविधान विरोधी है। लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्मों का जितना उधार है। ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों, तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। और इस भारत के संविधान को बचाए रखने के लिए भारत का हर एक नागरिक अपनी जान जोखिम में लगा के चाहे जो कुर्बानी देने पड़े उसके लिए भारत का हर एक नागरिक तैयार है। और हम सभी विपक्ष की सारी पार्टियां, इंडिया गठबंधन और सारे अलायंस मिलकर तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आपको ये वादा करके बताता हूँ। वो सिर्फ जुमलाबाजी करना जानते हैं, जुमलेबाजी के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। उनके सांसद कह तो रहे ना कि 400 सीट आ गई तो बदल देंगे। एक सेकंड भैया, कल जो है चिराग पासवान जी का रैली हुआ वैशाली में, और वही हमारे 3 तारीख का हमारा भी रैली हुआ। पानी के वजह से थोड़ा सा कम आया लो, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत काफ़ी थी गांधी मैदान में। उनका जो है पेपर में आया और यही चिराग पासवान जो नंबर 1 पर रैली किए वैशाली में, उसका नाम नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रधानमंत्री आए तो उनका पेपर में आया। ये देखने की जोग है। आज कल 10 था, आज 11, हमने भी पढ़ा दैनिक भास्कर, उसमें कोई जिक्र नहीं चिराग पासवान का। ये सब
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये जुमलाबाजी कर रही है और उनके सांसद और संवैधानिक बात कर रहे हैं। और मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन्हें तुरंत और तुरंत संसद से निष्कासित करके और संविधान की रक्षा की जाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जो ये देश में कभी नहीं लागू हो पाएगा। भाजपा की तरफ से, भाजपा पार्टी की तरफ से उनकी बातों से किनारा किया गया, बोला गया कि उनका निजी राय है। देखिए, जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो आपका कोई निजी राय नहीं होता। अगर निजी राय होता है तो आप अपने घर में बोलिए, बात मीडिया में नहीं बोलेंगे। आप मीडिया के सामने, जनता के सामने में वो बात आप नहीं बोलेंगे, आप अपने घर में बोलिए इस बात को। अच्छा, संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? अरे देखिए, पहली बात तो संविधान इसलिए, देखिए उनका चार है कि हम जो करें वही होगा, बाकी जो है हमारे जो भीमराम जो लिखे हैं, राजतंत्र चलाना चाहते हैं क्या? भीमराम जो लिखे हैं ना, उसका संविधानों के अबरी बार अगर गलती से आ गया ना तो भी कर देंगे। जैसे बताइए ना, एक आम जो आदमी जो ड्राइवर कमाता है वो उसको अगर किसी तरह से करता है तो कहता है कि 10 साल जेल होगा, 7.5 लाख रुपया कहाँ से देगा जी, वो पूरा कमाई से भी नहीं होगा। वैसे वैसे हमेशा कभी बिल पास करते हैं, कभी नोटबंदी, अब जब उनका मन करता है तो नोटबंदी बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं कि काला धन वापस लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भी दूंगा, अब बोले तो 100 दिन में लाऊंगा, उनको हमने 10 साल मौका दिया, कहाँ का गया 15 लाख रुपया भाई? तो सिर्फ ये जुमलाबाजी है। अगर जो आपने वादा किया वो वादा कम से कम पूरा करते तब तो हम उनको समझते ना। चलिए, जनता के बीच थे और बात हो रही थी, भाजपा के सांसद ने कहा था कि अगर उनको 400 सीटें आती है, भाजपा पार्टी को अगर 400 सीटें आती है तो भारत से संविधान खत्म कर देंगे। हालांकि भाजपा पार्टी की तरफ से इस बातों से किनारा किया गया है, उन्होंने कहा है कि उस सांसद की निजी राय है, इस पे भाजपा पार्टी की कोई राय नहीं है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।